हेलो फ्रेंड्स, मैं काकुली कर्मकार, मेरे यूट्यूब चैनल एमएलएस किचन में आप सभी का स्वागत है। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं मेरे इस चैनल पे इंडिया के जो बेस्ट हॉस्पिटल्स है या डॉक्टर्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ, ताकि जरूरत पड़ने पर वहाँ जाकर अपने रोगों का इलाज करा पाए। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दक्षिण भारत के जो 10 सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल या जो 10 सबसे अच्छा हॉस्पिटल है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो चलिए जानते हैं बेस्ट हॉस्पिटल इन साउथ इंडिया। तो सबसे पहला जो हॉस्पिटल है आप देख सकते हो, अपेलो हॉस्पिटल चेन्नई, बहुत ही आपका रिनाउंड हॉस्पिटल है। ये आपका 21 ग्रीम्स लेन, ग्रीम्स रोड पर है। तो फोन नंबर भी दिया गया है, तमिलनाडु चेन्नई में। तो ये बहुत ही रिनाउंड और आपका पॉपुलर हॉस्पिटल है। यहाँ पर अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो जाने, तो फुल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। नेक्स्ट हॉस्पिटल है नारायण हृदयालय हार्ट हॉस्पिटल या नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस। एड्रेस है आपका बोमा संड्रा, 258/A हसूर रोड, आनेकाल तालुक, बोमा संड्रा इंडस्ट्रियल एरिया, बेंगलुरु कर्नाटक। फोन नंबर भी गिवन है। बेंगलोर में या आपका साउथ इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है, इसलिए इंडिया के जो हर एक कोने से सब कोई ट्रीटमेंट के लिए साउथ इंडिया जाते हैं, दक्षिण भारत। तो सभी बहुत ही रिनाउंड और अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पर सबसे अच्छा ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हॉस्पिटल है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये बहुत ही आपका फेमस हॉस्पिटल है निमांस, जो एशिया में थर्ड पोजिशन पर आते हैं आपके न्यूरोलॉजी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। तो ये आपका एड्रेस आप देख सकते हो, हसूर रोड, मारीगोड रोड, लखासांड्रा विल्सन गार्डन, बेंगलोर। एड्रेस भी दिया गया है कर्नाटक का, फोन नंबर भी दिया गया है। तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है मणिपाल हॉस्पिटल बेंगलोर। एड्रेस है ITPL मेन रोड, KIADB एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल एरिया, कृष्ण राजा पूरा, बेंगलुरु कर्नाटक। फोन नंबर भी गिवन है। नेक्स्ट है आपका श्री सत्यसाई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस व्हाइटफील्ड। तो एड्रेस जो है EPIP जोन व्हाइटफील्ड बेंगलुरु। बहुत ही आपका रिनाउंड और पॉपुलर हॉस्पिटल है। यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट का पैसा नहीं लिया जाता है। तो न्यूरोलॉजी और आपका जो हार्ट है, इसका तो हर एक डिपार्टमेंट अच्छा है, लेकिन न्यूरोलॉजी जो हार्ट डिपार्टमेंट है बहुत ही अच्छा है आपका। तो यहाँ पर जाके आप भारत के किसी भी कोने से जाकर आप यहाँ पर बिना पैसा के ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जीरो जीरो प्राइस है, जीरो चार्जेस हॉस्पिटल है यहाँ पर। नेक्स्ट है CMC वेलोर हॉस्पिटल, क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज वेलोर। एड्रेस है क्रिस्टन मेडिकल कॉलेज, IDS स्कडर रोड, वेलोर, तमिलनाडु। कॉन्टैक्ट नंबर भी देखिए। ये भी बहुत रिनाउंड और पॉपुलर हॉस्पिटल है वेलोर में, चेन्नई में। तो बहुत ही आपका जो पॉपुलर हॉस्पिटल है और यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इंडिया के हर एक कोने से यहाँ पर पेशेंट जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, और इंडिया के बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के लिए। बहुत ही रिनाउंड और पॉपुलर हॉस्पिटल है ये सब। नेक्स्ट है फोर्टिस हॉस्पिटल, तो कनिंगहम रोड। तो एड्रेस है 14 कनिंगहम रोड, बसंत नगर, बेंगलुरु कर्नाटक। ये भी आपका, इस हॉस्पिटल में भी आपका ट्रीटमेंट अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, सब प्राइवेट हॉस्पिटल है। कोलंबिया एशिया रेफरल हॉस्पिटल यशवंतपुर, ये भी बहुत ही रिनाउंड आपका हॉस्पिटल है। एड्रेस है 26/4 ब्रिगेड गेटवे, इसाइड मेट्रो मलेश्वरम, यशवंतपुर, बेंगलुरु कर्नाटक। फोन नंबर भी दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कंटिनेंटल हॉस्पिटल हैदराबाद। एड्रेस है नाना क्रमगुड़ा गाची बावली हैदराबाद। आपका हैदराबाद में है, फोन नंबर भी दिया गया। ये भी बहुत आपका रिनाउंड हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है अस्टर CMI हॉस्पिटल। एड्रेस है नंबर 43/2 न्यू एयरपोर्ट रोड, NH7 सहाकारा नगर, हेवल, बेंगलुरु कर्नाटक। ये भी बहुत आपका रिनाउंड हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये थे जो साउथ इंडिया के दक्षिण भारत के सबसे अच्छे हॉस्पिटल 10 हॉस्पिटल।
तो होपफुली मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सब हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए भारत के हर एक कोने से यहाँ पर लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। इंडिया के बाहर से भी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं।